Students, you all are welcome in this e-lecture. Today we are going to discuss the next topics of unit 4, properties of matter. पिछले e-lecture तक हमने elasticity क्या होती है, elasticity का कारण क्या है, elastic limit क्या होती है, इलास्टिसिटी को समझने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो परिकल्पना थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो हमने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद हुक्स लॉ हमने पढ़ लिया था, और हुक्स लॉ के बाद जो इलास्टिक मॉडुलस होता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी. और इलास्टिक मॉडुलस की डिस्कशन के लिए हमने लास्ट ई लेक्चर तक, लास्ट जो हमारा टॉपिक था, यंग्स मॉडुलस तक कवर कर लिया है. और आज हम बल्क मॉडुलस से स्टार्ट कर रहे हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है. जनरली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, थ्री डायमेंशनल बॉडी की बात करते हैं, तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी प्रतिदर्श पर सभी दिशाओं से एक समान बल लग रहा है, तो इस तरह की अवस्था के अंदर बल्क मॉडुलस इम्पॉर्टेंट होता है मटेरियल के लिए. और जनरली ये जो बल्क मॉडुलस वाली अवस्था है, ये सपोज़ कि एक कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और उसके अंदर कोई हमने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दिया है, चाहे वो घन आकृति का हो, चाहे वो स्फेरिकल बॉडी हो, तो उस बॉडी पर सभी ओर से एक समान बल लगता है. तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि वेयर वी कैन रियलाइज द बल्क मॉडुलस, किस प्रकार बल्क मॉडुलस किसी मटेरियल की इम्पोर्टेंस है, और किस स्थिति के अंदर बल्क मॉडुलस ज्ञात किया जाना चाहिए. तो ये वो स्थिति है. और जनरली जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. तो ये इक्विवेलेंट कंडीशन है जहाँ पर आप बल्क मॉडुलस को समझ सकते हैं आराम से. तो डेफिनेशन हमें पता है कि इलास्टिक मॉडुलस का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बाय द डेफिनेशन. लेकिन जब हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, तो बल्क मॉडुलस के लिए जो सिंबल हम प्रयुक्त करते हैं वो है कैपिटल के. तो कैपिटल के इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. बल्क जो मॉडुलस है, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन से रिलेटेड होता है. तो बल्क मॉडुलस के कैपिटल के इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. अब वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ है, और ये घन आकृति है, और इसके सभी फलकों पर सभी ओर से एक समान लंबवत बल लग रहा है. तो ये बल की स्थिति को आप समझिए, और किस प्रकार इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा मटेरियल के अंदर, तो ये है आपको देखना है. और बल लगने के कारण इसका जो प्रारंभिक आयतन था वो परिवर्तित होकर थोड़ा कम हो गया है, और इनिशियल जो वॉल्यूम है, इनिशियल जो स्थिति है इस मटेरियल की, हमने सॉलिड लाइन्स यहाँ पर दिखाई हुई है, और ये जो डॉटेड लाइन है, ये दिस सिचुएशन इज़ आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स. अब जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसका आयतन कम हो गया है, आप डॉटेड लाइन से यहाँ पर आप देख सकते हो. सपोज इनिशियल वॉल्यूम इज कैपिटल वी, एंड द वॉल्यूम आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इज V माइनस डेल्टा V. इट मीन्स बल लगाने के बाद जो ये हमारा सैंपल है, प्रतिदर्श है, उसका आयतन डेल्टा V से कम हो गया है. तो इस स्थिति के अंदर विकृति क्या होगी, आयतन विकृति डेल्टा V अपॉन V, क्योंकि आयतन में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक आयतन, ये वॉल्यूम स्ट्रेन होती है. तो वॉल्यूम स्ट्रेन हो गई आपकी माइनस डेल्टा V अपॉन V. अब ये जो माइनस साइन है, ये इंडिकेट करता है कि बल लगाने पर वस्तु या जो भी आपका प्रतिदर्श है उसके आयतन में कमी हो रही है. ओके, माइनस साइन इंडिकेट करता है आयतन में कमी हो रही है. यहां पर ध्यान दें, ये आयतन में कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहां पर माइनस साइन है. और इस वॉल्यूम स्ट्रेस होगा एफ अपॉन ए, जो ये बल लग रहा है प्रति एकांक आयतन पर उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल. अब हमें पता है कि जो प्रत्यानयन बल है वो आरोपित बल के ही बराबर होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो जो एफ है, जो प्रत्यानयन बल है, वो भी एफ के बराबर होगा. और एकांक आयतन के लिए जब हम बात करते हैं तो डिवाइडेड बाई एरिया. तो बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी अपॉन वी.
अब यहाँ तक आपको ये स्थिति समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि ये जनरली हमें पता है कि यदि मैं किसी गैस या किसी लिक्विड की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो स्ट्रेस है वो उससे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट टर्म होती है वो होती है प्रेशर। क्योंकि जब हम प्रेशर और स्ट्रेस की यानी कि प्रतिबल और जब हम दाब की बात करते हैं तो उनकी जो परिभाषा है वो एक जैसी ही होती है, बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन हाँ, इसमें बेसिक अंतर है कि दाब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल होता है प्रेशर, और जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कई प्रकार का हो सकता है। वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि बल आपका लंबवत हो, लेकिन यहाँ पर हम लंबवत बल की बात कर रहे हैं इस कंडीशन में भी, तो ये यहाँ पर जो स्ट्रेस टर्म है वो प्रेशर के बराबर हो जाती है। तो जब गैस और हम लिक्विड की बात करते हैं तो हम प्रेशर भी यहाँ पर टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगने वाला जो बल है लंबवत है। अब लंबवत बल है चाहे तो चाहे वो आपका मटेरियल किस टाइप का भी हो, तो जो स्ट्रेस है वो आपका प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए F अपॉन A जो टर्म है स्ट्रेस की, उसको हमने कैपिटल P यानी कि प्रेशर के बराबर रख दिया है। तो बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से F अपॉन A इज इक्वल टू P, तो यहाँ पर हमने P रख दिया, और यहाँ पर माइनस डेल्टा V अपॉन V एज इट इज हमने रख दिया। तो K इज इक्वल टू P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V, और वी कैन राइट K इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसको जब रीअरेंज करते हैं तो K इज इक्वल टू माइनस P V अपॉन डेल्टा V। तो ये बल्क मॉड्यूलस के लिए एक्सप्रेशन है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, इस फिगर को अच्छे से समझ लें, और हमने क्यों यहाँ पर स्ट्रेस को प्रेशर के इक्विवेलेंट रखा है वो भी आप इस लेक्चर की सहायता से समझ पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर हमने प्रेशर की बात की है, यदि हम प्रेशर यदि हम इनिशियल प्रेशर को जीरो माने तो हम प्रेशर की बात कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई प्रेशर ऑलरेडी है और वहाँ पर प्रेशर में दाब में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर हम पी की जगह प्रेशर में जो परिवर्तन है चेंज है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो K इज इक्वल टू माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, इफ़ देर इज अ चेंज इन द प्रेशर वैल्यू तब हम क्या करेंगे, पी की जगह लिखेंगे डेल्टा पी। तो ये आपका बल्क मॉडुलस हो जाएगा, K इज कैपिटल K इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। तो ये आपका टर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमने चेंज ले लिया है प्रेशर की जगह, चेंज इन प्रेशर। तो ये आपका बल्क मॉडुलस की के लिए एक्सप्रेशन आ चुका है, और इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप इस फॉर्मूले से रिलेटेड यदि कोई आपको बुक के अंदर प्रॉब्लम मिलती है तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। आने वाले लेक्चर के अंदर हम ज़रूर आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। नाउ अब बल्क मॉडुलस से ही रिलेटेड एक टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर संपीड्यता, जो कि बल्क मॉडुलस का विलोम होती है। सो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू वन बाई बल्क मॉडुलस और इज इक्वल टू वन बाई कैपिटल के, जो कि बल्क मॉडुलस के लिए सिंबल हमने प्रयुक्त किया है। और जब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं तो वन बाई के मीन्स कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन कैपिटल बी माइनस वन अपॉन कैपिटल वी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी। ये हमें बताता है कि अगर हम कोई प्रेशर में चेंज करते हैं तो आयतन में कितना परिवर्तन होता है, कंप्रेसिबिलिटी जब हम बात करते हैं संपीड्यता कितनी है। अगर हम मैं कम प्रेशर लगाऊं वॉल्यूम में ज़्यादा परिवर्तन होता है तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये आपका कंप्रेसिबिलिटी है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी न्यूमेरिकल आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इन द वेरियस फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पर ध्यान दें। अब हम कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट की जब बात करेंगे तो क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस यानी कि इलास्टिक मॉडुलस का एक तरह से विलोम है तो इसकी यूनिट भी इलास्टिक मॉडुलस के अपोजिट होगी। तो यूनिट इज इक्वल टू वन बाई पास्कल, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो जब हम इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे तो ये डायमेंशनल फार्मूला निकल के आता है एम रेस्ट टू माइनस वन एल वन टी माइनस टू। तो ये आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से कोई ऑब्जेक्टिव या फिर किसी भी प्रकार से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप हमेशा ध्यान दें कोई भी नई टर्म आ रही है किसी भी टॉपिक के अंदर तो उसकी यूनिट उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको अवश्य याद रखना है, अवश्य निकालना है अपने खुद की प्रैक्टिस के द्वारा, क्योंकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस क्या होता है,
यानी कि अब तक हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ लिया है और बल्क मॉडुलस पढ़ लिया है, और अब है हमारा लास्ट शियर मॉडुलस इस जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली। तो शियर मॉडुलस क्या होता है, अगेन इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब शियर की जब भी बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन जो होगा वो आपका शियर मॉडुलस होगा, और इसके लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला सिंबल है वो है ईटा। इस सिंबल को आप देख लें अच्छे से। अब शियर स्ट्रेस स्ट्रेन की जब बात करेंगे तो इसके लिए ये जो एक फिगर हमने दिखाया हुआ है इसको आप अच्छे से देखें कि ये एक सपोज घनाकार आपका प्रतिदर्श है, सैंपल है, और इसके किसी एक फलक के ऊपर, एक फेस के ऊपर हमने ये फोर्स लगाया है एफ टी। एफ टी का मतलब टेंजेंशियल फोर्स, एक स्पर्श रेखा की दिशा में किसी फेस पर हमने फोर्स लगाया यहाँ पर, और इस फोर्स के लगाने के कारण इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा वो शियर स्ट्रेस होगा। तो शियर स्ट्रेस के लिए डेफिनेशन एफ टी अपॉन ए। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेन की। शियर स्ट्रेन हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख लिया है कि जब ये डेल्टा एल से विस्थापित हो जाती है ऊपर वाली फलक नीचे वाले फलक की तुलना में, तो डेल्टा एल अपॉन एच जो ये साइड है इस सैंपल की, इन दोनों का जो रेशो है वो आपका शियर स्ट्रेन के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया डेल्टा एल अपॉन एच। नाउ फ्रॉम दिस ज्योमेट्री, इस आप ज्योमेट्री को जब देखोगे तो ये फाई एंगल है और ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाते हैं, ये समकोण हो गया, एक समकोण है ये। तो ये जब समकोण है तो इसके अंदर यदि हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एल अपॉन एच, डेल्टा एल अपॉन एच शुड बी इक्वल टू टेन फाई, ये टेन फाई के बराबर होगा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू एफ टी अपॉन ए, और यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एच के लिए हमने लिख दिया टेन फाई। अब ये फॉर्मूला हो गया आपका ईटा इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास निकल गया। अब यदि मैं किसी व्यावहारिक मटेरियल की बात करूं, सॉलिड मटेरियल की बात करूं, तो फॉर ए सॉलिड बल्क मटेरियल द वैल्यू ऑफ फाई इज़ वेरी लेस। इस तरह का जब भी टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर वाली फलक में वो काफ़ी कम होता है, और इसके कम हो जाने के कारण जो फाई वैल्यू होती है, यानी ये जो एंगल ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट होता है कि कितने एंगल से ये ऊपर वाली साइड डिस्प्लेस हो चुकी है, इसका मान काफ़ी कम होता है। तो फाइ इज़ वेरी लेस, हैंस अब ट्रिग्नोमेट्री में आप मैथमेटिक्स से जब देखोगे तो जब फाई की वैल्यू काफ़ी कम होती है तो टेन फाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाई। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम इस फॉर्मूले में जब लगाते हैं तो ईटा इज इक्वल टू एफ टी अपॉन ए और फाई डिवाइडेड बाई फाई। तो ये जो एक्सप्रेशन है ईटा इज इक्वल टू एफ टी अपॉन ए डिवाइडेड फाई, ये आपके शियर मॉडुलस के लिए एक्सप्रेशन है, और इससे रिलेटेड भी काफ़ी न्यूमेरिकल आया करते हैं। तो आप अगर कोई आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो आपकी उसको प्रैक्टिस करें उसकी, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ज़रूर से आपके लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिगर को अच्छे से बनाएं ताकि आपको ये जो भी टर्म्स हैं वो अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आज हम यहीं तक इस लेक्चर को रखते हैं। तो आज हमने यहाँ पर इलास्टिक मॉडुलस को कंप्लीट कर लिया है, टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस जो कि आपका यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, तीनों प्रकार के मॉडुलस हमने पढ़ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लेक्चर का वो है द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें, एक ग्राफ की सहायता से यदि हम उनको रिप्रेजेंट करें, तो उस ग्राफ की सहायता से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है जो कि किसी पदार्थ के किसी एक विशिष्ट इंजीनियरिंग उपयोग के लिए वो मटेरियल सक्षम है अथवा नहीं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसकी सहायता से। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की सिग्निफिकेंस को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।